मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज माय डे 3। काफ़ी ज़्यादा सांस चढ़ रही है बोलने में भी। सो अभी हम सो मोरी थी एंड रात को ये स्टेप ये मिल गया था, तो उसी करके ये ले रही है क्योंकि रात को हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी ना बड़ी बुरी हालत थी रात को भाई। एंड अभी टाइम हो रहा सुबह के 5:30। सो ब्रेकफास्ट करेंगे 7-7:30 बजे तक एंड मेक श्योर कि 8-9 बजे तक हम निकल जाएँ टूवर्ड्स ले। यहाँ पे बिजली अभी तक नहीं पहुँची है, मैं रास्ते में जब कल आ रहा था रास्ते में पोल बड़े हुए थे। बिजली देते हैं थोड़ी देर 1-2 घंटा। सो जब मैं रात को आया था तो 1-2 घंटा बिजली थी, उसके बाद बंद हो गई एंड अभी तक स्टील बंद ही है। एंड ये रही सामने सोमोरीरी लेक, काफ़ी ज़्यादा बड़ी है ये। और जो कल मैं पहले आपको दिखा रहा था वो सोमोरीरी नहीं थी, वो क्या कर सो थी। एंड इस वाली साइड से भी देखो ये है सोमोरीरी लेक, बट आगे जाने नहीं देते हैं। ये देखो फेंसिंग की हुई है, इस करके हम वहाँ उस पॉइंट तक नहीं जा सकते। यहाँ पे निकल रहा है बढ़िया सा टाइम लैप्स। सो ये है कुछ रूम, एक डबल बेड लगा हुआ है एंड व्यू है बाहर लेक का व्यू। ये वॉशरूम है, ओके यहाँ गीजर लगा हुआ है। अभी थोड़ी देर लेटते हैं, उसके बाद फ्रेश होंगे निकल जाएंगे फिर ब्रेकफास्ट करके। भाई रास्ता तो इतना बेकार रास्ता ना, रास्ता लास्ट जो 4 घंटे है ना पूरा ही ऑफ रोड है एंड ये चीज़ मेरी अभी तक दर्द कर रही है। एंड अभी आपको जाते समय दिखाएंगे प्यूगा वैली, प्यूगा हॉट स्प्रिंग्स। सुबह उठो और जब आप आपके रूम से आपको ऐसा व्यू दिखे ना, ब्रेकफास्ट विद अ व्यू। सो अभी हो रहे हैं 8:15 एंड निकलते 8:30 बज जाएंगे। और ये जो रूम है इसका रेंट है 1800 रुपया, 1800 पर नाइट का इसका रेंट दिया मैंने विद ब्रेकफास्ट एंड डिनर। सो अभी निकलेंगे, रास्ता देखा है आपने पूरा ऑफ रोड है, उसके बाद चलेंगे प्यूगा वैली देखने, प्यूगा हॉट स्प्रिंग, फिर उसके बाद आगे का अपडेट देते रहते हैं आपको। तो फिलहाल ये है पीछे मेरे सोमोरीरी लेक एंड जो आगे मैंने पहले आते समय बताई थी छोटी, वो थी क्या कर लेक, और आज वहाँ पे फेस्टिवल भी है। तो अगर आपको आगे जाना है तो आप आगे भी जा सकते हो, देख सकते हो आगे से, बट भाई मेरे में हिम्मत नहीं है इतना ऑफ रोड और करने की, इस करके मैं नहीं जा रहा हूँ। मैंने यहीं से फ़ोटोज़ वगैरह खींच ली है। सो अब चलते हैं, मिलते हैं आपसे बाइक पर। हाँ चलो ठीक है। All set to leave. So ये था हमारा गेस्ट हाउस। इट्स टाइम टू कोल्ड स्टार्ट द बाइक एंड ये रहा सोमोरीरी। अगर आप आगे जाना चाहते हो तो आप आगे भी जा सकते हो, बट मेरी हालत नहीं है ऑफ रोडिंग करने की, इस करके यहीं से वापस जा रहे हैं। तो जब से बाइक मैंने रेंट पे ली है तब से 350 किलोमीटर चला चुका हूँ। ट्रिप टू कल 244 चलाई थी एंड आज भी इतनी चलानी है, तो इसको कर देते हैं हम 0।
ये देखो ये यहाँ पे पोल पड़े हुए हैं एंड यहाँ पे बिजली अभी तक नहीं पहुँची है। एंड जो ये बिजली दे रहे थे वो सोलर की मदद से और जनरेटर की मदद से ये बिजली प्रोवाइड करवाते हैं अपने गेस्ट को, बल्कि देखा जाए इधर बिजली अभी तक नहीं पहुँची है। पहुँच जाएगी एक दो साल में, क्योंकि पोल्स तो ये पड़े हुए हैं, इसका मतलब जल्द ही कार्जोक में भी यानी कि सोमरीरी में लाइट आ जाएगी। एंड 70 किलोमीटर का ऑफ रोड है ये पूरा पैच जो है, 70 किलोमीटर का ऑफ रोड करना पड़ेगा, तब जाके हमें पक्का टारमैक मिलेगा। सो अगर आप सोमरीरी आ रहे हो तो ये वाला रास्ता मत लेना भाई, नहीं तो मेरी तरह आप भी 10 किलोमीटर रोड अच्छा देख के 10 किलोमीटर अंदर तक चले जाओगे। एंड पूरा 1 घंटा टूटा मेरा यहाँ पे, तो मैं इसी रोड से अंदर चला गया था रात को। मैंने सोचा रोड अच्छा तो क्या पता यहीं पे होंगे कैंप्स वगैरह, बट यहाँ पे कुछ भी नहीं मिला। सो 10 किलोमीटर यानी कि 1 घंटा पूरा वेस्ट हुआ मेरा यहाँ पे। सो अगर आप भी आते हो तो ये रोड ITBP वाला रोड मत लेना, सीधे चले जाना आगे की तरफ अगर आपको स्टे करना है यहाँ पे तो। सब पच गए हैं अभी, इतनी ऑफ रोडिंग है। एंड अभी भी हमने सिर्फ 30-40 किलोमीटर ही कवर किए। कल इसी पॉइंट पे इतना ज़्यादा पानी था ना कि क्रॉस करते डर लग रहा था, क्योंकि सोलो में डर लगता है क्रॉस करते। एंड ये मैं कल बोल रहा था सोमरीरी, ये सोमरीरी नहीं है, ये काइगर सो है, काइगर सो लेक है जो छोटी सी है, बिल्कुल क्लियर वाटर है जैसे उसका सोमरीरी का। एंड ये जो आप वाइट वाइट देख रहे हो ना, ये सारा सॉल्ट है। तो यहाँ पे एक सॉल्ट वाटर लेक है जिसको कहते हैं सोकर, अब शायद यही है सूख गई है क्योंकि वो ऐसे भी सूखी रहती है। सो ये सारा जो वाइट वाइट देख रहे हो ये सारा सॉल्ट है। एंड फूगा वैली अभी तक हमें नहीं मिली, पता नहीं या तो पीछे छूट गई या आगे है, क्योंकि यहाँ पर कोई दिख भी नहीं रहा जिससे हम पूछ सकें। सो आगे चलते हैं थोड़ी, देखते हैं फिर, और ना ही यहाँ पे जियो के नेटवर्क हैं। तो शूज़ और बैग इधर ही छोड़ के जा रहा हूँ मैं, एंड आगे चलते हैं, दूर है पर चलते हैं। तो भाई देख लो कैसे कैसे जाना पड़ रहा है, उस साइड गहरा लग रहा था पानी बट यहाँ पे ठीक है। हाँ ये ठीक था, तो ये है वो ग्रास बैट्स जिसके लिए ये मशहूर है। ये देखो छोटे छोटे दिख रहे होंगे आपको ज़मीन के ऊपर। एंड जब मानसून होता है फिर और भी ज़्यादा खूबसूरत लगती है ये जगह, क्योंकि उस वक्त ग्रास पूरा ग्रीन होता है। एक बार लैंडस्केप देखो, ये है सारी फूगा वैली, ऐसा लैंडस्केप ना कहीं नहीं देखा होगा आपने, ऐसे लग रहा मार्स पे आ गए हैं। एंड वो रहा सामने हॉट वाटर स्प्रिंग का वोल्केनो। तो गीला आ गया सारा, कूद कूद के जाना पड़ रहा है, कूद कूद के। अब तो पांव बीच में रखना ही पड़ेगा, और कोई चारा ही नहीं है। ओ भाई दल दल,
फूगा का हॉट वाटर स्प्रिंग जो कि नेचुरल नीचे से आता है और इतना गर्म है ना कि इधर तक मेरे को गर्म हवा का प्रेशर लग रहा है, इतनी ज़्यादा गर्म है ये। रोड के काफ़ी ज़्यादा अंदर आना पड़ता है, बाइक वो लगी है एंड बैग ये पड़े हैं, बाइक वो लगी है। धमाके देखो क्या मार रहा है, पटाख पटाख पटाखे मार रहा है। मिट्टी भी इतनी गर्म है ना, पानी तो सोचो कितना गर्म होगा। मैं नहीं जाऊंगा भाई आगे, रिस्क नहीं लेना। प्यूगा का हॉट वाटर स्प्रिंग एंड प्यूगा की मशहूर ये ग्रास लैंड भी आपको मैंने दिखा दी एंड अभी टाइम हो रहा है 11 और अभी निकलते हैं आगे की तरफ। इस साइड से काफ़ी ज़्यादा अंदर आना पड़ता है सो अभी वापस जाना पड़ेगा। बैग शैग में ऐसे छोड़ के आया हूँ GoPro, इवन कि मेरे को बैग में वॉलेट भी मेरा बैग में ही है। सो चलते हैं जल्दी से, को किसी ने नहीं बताई होगी, अच्छी अच्छी रील्स तो सबने डाली हैं। ये देखो कितना गंदा है यहाँ पे, ऐसे तो मच्छर ही मच्छर है। हॉर्स प्लेइंग इतनी दूर एंड आपको ये सारा क्रॉस करना पड़ता है, ये चीज़ आपको किसी ने नहीं बताई होगी भाई। आपको अच्छी अच्छी रील्स बनानी है ना, अच्छी रील्स बनाने के लिए ये गंदा स्वैम्प आपको क्रॉस करना पड़ेगा। सो अब आपकी च्वाइस है कि आपको ये गंदा स्वैम्प क्रॉस करके रील्स बनानी है या दूर से इसको एंजॉय करना। सो मैं तो कहूँगा फ़ायदा तो है नहीं कुछ यहाँ पे आने का, क्योंकि पानी को आप टच तो कर नहीं सकते, क्योंकि पानी काफ़ी ज़्यादा गर्म है, इस करके आप उसको टच तो कर नहीं सकते। अगर फिर भी आना चाहते हो ओफ तो आप आ सकते हो। एंड ये सारी यॉक जो कि घास खा रहे हैं। सो देखो चारों ओर रेत वाली पहाड़ियाँ, नंगी पहाड़ियाँ, बीच में ये ग्रासलैंड ग्रीन वाला अल्टीमेट। ये चीज़ें आपको सिर्फ लेह में ही मिलती हैं। तो पूरे 4 बजे पहुंच गया था मैं लेह, यानी कि मेरे को लगे 8-9-10-8 घंटे। ये है डीसी ऑफिस, यहाँ से बनता है परमिट एंड अभी हम जा रहे हैं कुछ लद्दाखी क्यूज़ीन खाने। क्या बोला था आपने, कौन सी छूटेगी है? छूटेगी, छूटेगी। देखते हैं छूटेगी कि नहीं छूटेगी।